नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के दो पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 3। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे जब जोसेफ, डैनी और चोटी वाला पैदल मार्च करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां दोनों वैनिटी और BMW मौजूद थी। उस वक्त खन्ना परेशान सा सड़क पर टहल रहा था। वो खासा बेचैन था क्योंकि प्रोडक्शन तो उसी का था। पायल ने उसकी परेशानी भापी तो वो भी उसके पास आ गई। वे सब लोग दोनों वैनिटी में मौजूद थे। वैनिटी ठीक हालत में थी। अगली वैनिटी की हेडलाइट्स ऑन थी। उसमें मधुर था, अब्बास था, ड्राइवर था, विपुल और DOP हरीश मौजूद था। मधुर का बॉय भी उसी में था। वो लोग जाग रहे थे। ऐसे में नींद भला किसे आती। वैनिटी का AC चालू था। तभी वहां 3 आदमी नमूदार हुए। खन्ना ने उन्हें आते देख लिया था। रात चांदनी थी, उन्हें दूर से ही पहचान लिया था। वो दोनों जोसेफ, डैनी और चोटी वाला थे। जैसे ही पास आए चोटी वाला जोर से चिल्लाया, नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान, चार भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। इस बार किसी ने उसे नहीं टोका क्योंकि उसके दोनों साथी कुछ थके मांदे और सहमे हुए थे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। खन्ना साहब, आप लोग रुक क्यों गए? चोटी वाला खन्ना से मुखातिब था। तुम लोगों की गाड़ी कहाँ है? खन्ना ने पूछा। डैनी ने सारा हाल बयान कर दिया। और आप लोग? जोसेफ ने पूछा। खन्ना ने सारी रामायण सुना दी। मेरी बात मान लो आप लोग, चोटी वाला लरजते स्वर में बोला। ये हादसे ऐसे ही हुए हैं, हमें इस आखिरी सड़क पर रोकने के लिए ही हुए हैं। अगर यहाँ कोई रुका तो एक के बाद एक सब मारे जाएंगे। वो हमें घेर रहे हैं। कौन? जवाब में चोटी वाला हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उनकी आवाजें सुनकर वैनिटी से कुछ और लोग भी नीचे उतर आए। वहां तो तू कह रहा था गाड़ी में ही बैठे रहना वरना मारे जाएंगे, डैनी ने चोटी वाले से कहा। उस वक्त मैं ध्यान लगाकर देखना चाहता था कि माजरा क्या है, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान तोड़ दिया। अब रात के 12 बज चुके थे। शैतानी ताकतें बस जागने ही वाली हैं। वो सीधा इसी जगह अटैक करेंगी। अब फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं कहता हूँ निकल चलो इस मनहूस जगह से। ये सारा काम शैतानी ताकतों का है। मेरे ख्याल से चोटी वाला ठीक कह रहा है। जोसेफ ने उसका समर्थन किया। हम सब एक साथ पैदल पैदल चलेंगे, चोटी वाला बोला। आगे मैं रहूंगा और पीछे जोसेफ। थोड़ी देर तक बहस चलती रही। वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अचानक विलासा ने कहा, अब मेरी बात सुनो सब लोग। मैंने अब तक आप में से किसी को नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप लोग डर न जाए। चोटी वाला ठीक कह रहा है, इस जगह शैतानी चक्कर है। मैंने एक बौने को वैनिटी के आसपास मंडराते देखा, फिर वो गायब हो गया। वो शायद हमारा मुआयना कर रहा था। शायद वो कोई गंदी आत्मा है और वो अपने साथ दूसरी शैतानी आत्माओं को लेकर कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। बेहतरी इसी में है कि हम लोग यहाँ कुछ लोगों को छोड़ दें जो सामान की हिफाजत करेंगे। उन्हें हिदायत कर दें कि वो वैनिटी से बाहर न निकले। मेरा बॉडीगार्ड बहुत दिलेर और हिम्मत वाला है, उसके पास गन भी है। वे अगली वैनिटी में लाइटें ऑफ करके चुपचाप से अंदर रहेंगे। हो सकता है मेरा वहम हो और चोर डाकू ताक में हो, बौना उनका साथी हो। ऐसा है तो हमें विलासा की बात मान लेनी चाहिए, अब्बास ने फैसला किया। उसके बाद तैयारी शुरू हो गई। वहां जिन लोगों को रहना था उनमें दोनों वैनिटी के ड्राइवर थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो गाड़ी चला सके। उनके साथ विलासा का बॉडीगार्ड था, दोनों वैनिटी के बॉय थे। वहां 5 लोग थे। मधुर का बॉय भी गन रखता था और निडर जवाब पट्टा था। विलासा ने अपनी पिस्टल अपने बॉय को थमा दी। उसके पास 2 पिस्टल थी, एक उसने अपने शोल्डर बैग में रख ली। वो जरूर डाकू का ही गिरोह होगा, खन्ना बोला। ये लोग अक्सर बड़ी हस्तियों का किडनैप कर लेते हैं और फिर फिरौती की बड़ी रकमें मांगते हैं। उन्होंने इसलिए ये जाल बिछाया है। यही मैं समझना चाहती थी, विलासा बोली। उनका आदमी रेकी करके गया है, वो आते ही होंगे। आगे कोई ना कोई आबादी या गांव जरूर होगा, हम वहां सुरक्षित रहेंगे। अब उन लोगों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और चल पड़े। सबके कंधों पर एक एक बैग लटक रहा था। विपुल भाई के पास एक खोखा कैश था, उसे साथ में ले जाना ठीक नहीं था, रास्ते में लूटपाट हो सकती थी। उसे विलासा के वैनिटी के सेफ्टी बॉक्स में रख दिया गया।
ये बॉक्स बिना रिमोट के नहीं खुल सकता था। उसमें विलासा की भी कुछ कैश और ज्वेलरी रखी हुई थी। वे लोग सड़क पर पैदल पैदल चलने लगे। विलासा के वैनेडी में 5 लोग मौजूद थे। लाइट ऑफ कर दी गई थी, दरवाजों को लॉक कर दिया गया था। ये दरवाजे बहुत मजबूत थे और उनका लॉक भी रिमोट से खुलता था। वैनेडी का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड था। वैनेडी की ड्राइविंग सीट की एक खिड़की को आधा खोलकर रखा गया था ताकि बाहर की हवा अंदर आती रहे। एसी बंद था। इस खिड़की के पास विलासा का बॉडीगार्ड शंभू बैठा था। लगभग आधा पौन घंटा बीता होगा कि शंभू को बाहर सड़क पर कोई रोशनी चमकी। वो रोशनी हिल रही थी, रोशनी करीब आती जा रही थी। शंभू ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। कोई सिगरेट पी रहा था, उसे तुरंत सिगरेट बुझाने को कहा। उसकी नजरें उसी पर टिकी थी। वो एक बौना था जिसके कंधे पर लालटेन झूल रही थी। वो विलासा की वैनिटी के आगे निकलकर पिछली वैनिटी की तरफ चला गया जिसमें कोई नहीं था। अचानक पिछली वैनिटी का इंजन स्टार्ट हुआ और उसकी हेडलाइट ऑन हुई। वो वैनिटी तेज रफ्तार से विलासा की वैनिटी पर बांस की तरह झपट पड़ी। वैनिटी सड़क पर पहले से ही तिरछी खड़ी थी और ठीक सामने गहरी खाई थी। नीचे उतरो सब, शंभू चीख पड़ा। पर उसके कहने से पहले ही पिछली वैनिटी ने विलासा वाली वैनिटी पर जोरदार टक्कर मार दी। फिर भी विलासा की वैनिटी का ड्राइवर नीचे कूद पड़ा था क्योंकि वो पहले से ड्राइविंग सीट पर दरवाजे के पास बैठा था और जैसे ही पिछली वैनिटी का इंजन स्टार्ट हुआ उसने छलांग लगा दी थी। वो छलांग उसने अंधेरे में लगाई। सड़क पर पैर फिसल गया और फिर उसकी चीख दूर तक फिजा में गूंजती चली गई। वो गहरी खाई की ओर अपनी अंतिम यात्रा तय कर रहा था। बाकी लोग तो उतर नहीं पाए और वैनिटी खाई में चली गई। पीछे वाली वैनिटी ठीक खाई के सामने रुक गई। उसका इंजन चालू था, उसका दरवाजा खुला, वैनिटी अचानक स्टार्ट हो गई और पहली वाली वैनिटी के साथ खाई में जा गिरी। थोड़ी देर बाद वही बौना सड़क पर दिखाई दिया। उसके कंधे पर लालटेन लटक रही थी। उसने सीटी बजाई, वैनिटी वालों को हाथ हिलाकर विदा किया और आगे बढ़ गया। बौने के पैरों में फौजी किस्म के लॉन्ग बूट थे जिनकी आवाज सड़क पर इस तरह गूंजने लगी जैसे कोई फौजी जवान मार्च करता हुआ आगे बढ़ रहा हो। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से माउथ ऑर्गन निकाला और उस पर मुंह सटा दिया। अब वातावरण में माउथ ऑर्गन की खूबसूरत धुन से पूरी वादी गूंज रही थी। सबसे आगे चोटी वाला चल रहा था। सुनसान सड़क, चांदनी रात और हर तरफ वीराना था। वो हनुमान चालीसा जोर जोर से बोल रहा था। सबने अपना जरूरी सामान बैग में भर लिया था और सबके कंधों पर बैग लटक रहे थे। पीछे डैनी था, उसके बाद खन्ना, अब्बास थे, फिर मधुर और हरीश पाठक चल रहे थे। सब खामोश थे। डॉक्टर बासु के साथ विलासा चल रही थी। सबसे अंत में जोसेफ चल रहा था। मंजिल का पता नहीं था पर यकीन था कि वो पतली घाटी की तरफ ही बढ़ रहे थे। मोबाइल की टॉर्च रोशन थी। हम सुबह तक पतली घाटी पहुंच जाएंगे, खन्ना बोला। हाँ, अब्बास ने जवाब दिया। विराट फिल्म्स यूनिट के वे पहले ऐसे दो इंसान थे जो आखिरी सड़क के अंतिम छोर पर सबसे पहले पहुंचे थे, शंकर और सुलेमान। सुलेमान लाल कुर्ता और नीला तहमत पहने हुए था। शंकर गैरेज की काली पतलून में था। ट्रक जल जाने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पहले तो उन्होंने पीछे आने वाली गाड़ियों का इंतजार किया। करीब 1 घंटा सड़क के किनारे बैठे रहे। अपना कुछ जरूरी सामान उन्होंने जलने से बचा लिया था। एक एक बैग उनके पास था जिनमें उनके कपड़े, टूथब्रश, तौलिया, साबुन था। शंकर के बैग में सिगरेट के पैकेट थे और एक गांजे का पाउडर भी था। इसके अलावा उसमें जमा खर्च की डायरी भी थी। वो बैठे बैठे उंगने लगे और एक दूसरे से उनके सिर टकराने लगे। जब नशा थोड़ा ढीला हुआ था तो सुलेमान ने पटपटाकर आंखें खोली। चांद ढलान पर था, कभी कभी बादलों में सरक जाता था, तारे टिमटिमा रहे थे, झिंगुरों की सीटियों की आवाजें कानों में पड़ रही थी। दूर दूर तक वीराना ही वीराना था। शंकर बैठे बैठे सुलेमान की गोद में लुढ़क गया। सुलेमान अपने जले हुए ट्रक को देख रहा था। चल उठ, अब कुछ ना बचा। सुलेमान ने शंकर का सिर अपनी गोद से उठाया। हम कहाँ हैं? शंकर आंखें मलकर बड़बड़ाया। नरक में ना है, ये भी जिंदा हैंगे, सुलेमान ने जवाब दिया। ये बोना अगर दोबारा दिखाई दिया तो इसकी नार तोड़ दूंगा मैं। आग उसी साले ने लगाई। वो ट्रक के नीचे घुसा था। उसने किसी तरह फ्यूल टैंक तोड़कर उसमें अपनी लालटेन घुसेड़ दी होगी। पर अब करे क्या? मरता क्या ना करे और करवा क्या ना करे। शंकर उठ खड़ा हुआ। बैग संभाल अपना, सुलेमान ने अपना बैग भी कंधे पर लटकाते हुए कहा। शंकर ने भी बैग लटका लिया। दोनों पैदल पैदल उस दिशा में बढ़ गए जिधर वो जा रहे थे। शायद हम मंजिल के करीब है, शंकर बोला।
मेरी समझ में ये बात ना आ रही कि जो गाड़ियां हमारे पीछे आ रही थी वो क्यों ना आई। सुलेमान बोला, क्या पता उनके साथ भी ऐसा ही कोई हादसा हो गया हो जैसा हमारे साथ हुआ है। मुझे भी यही लागे है, सुलेमान बोला। इस बोने ने बैरियर खोल के हमें फंसा दिया। अगर बैरियर ना खोलता तो हम वहीं रुके रहते। यूं हादसा तो ना होता, मेरा ट्रक तो ना खाक होता। पर छोड़ूंगा ना बेटा इब तुझे मैं। सुलेमान, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत सड़क पर मुड़ गए और ये सड़क पतली घाटी की तरफ ना जाकर कहीं और जाती हो? मुझे भी यूं ही लागे, पर जिब मुसलों में सिर दिया तो ओखली से काय घबराना। अबे उल्टा मत बोल। क्या उल्टा बोला? अबे ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या घबराना, ये है सही मुहावरा। तेल लेने गया तेरा सही मुहावरा, ये सोच कि अगर हम पतली घाटी ना पहुंचे तो कहां पहुंचेंगे। मेरा बाप ज्योतिषी नहीं था, शंकर बोला। इसी तरह की बातें करते करते पैदल पैदल सड़क नापते हुए दोनों आखिरी सड़क के आखिरी छोर पर पहुंचे। एक गेट आया जिस पर लिखा था विक्रमगढ़। गेट के नीचे एक चबूतरा बना था और पीछे कुछ घर नजर आ रहे थे, जहां वो विक्रमगढ़ के चबूतरे पर बैठ गए। फिर उन्हें नींद आ गई, दोनों वहीं लुढ़क गए। टीकमगढ़ पुलिस स्टेशन का SHO देवेंद्र पांडे एक दबंग दिलेर ऑफिसर था। जब से वो टीकमगढ़ में पोस्टेड हुआ था तब से टीकमगढ़ में नाम मात्र के अपराध होते थे। ये देवेंद्र पांडे के काम करने का स्टाइल था। जब भी वो किसी पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालता तो इलाके के जरायम पेशा लोगों की सूची मांगता था और फिर एनकाउंटर की बाढ़ सी आ जाती थी। कुछ मारे जाते, कुछ भाग जाते, पूरा इलाका जरायम पेशा लोगों से पाक साफ हो जाता था। टीकमगढ़ कोई बड़ा कस्बा नहीं था, इसलिए वहां एक ही पुलिस स्टेशन था जिसे कोतवाली कहा जाता था। ये इलाका रामगढ़ की सीमा में आता था। रामगढ़ जिला था। पुलिस कमिश्नर, SSP वगैरह बड़े ऑफिसर रामगढ़ में थे। कमिश्नर ने SSP को फोन किया कि कोई फिल्मी यूनिट रास्ता भटक कर आखिरी सड़क वाले क्षेत्र में एंटर हो गई है, वो वर्जित क्षेत्र में फंस सकती है, लिहाजा तुरंत फोर्स भेजकर उनकी मदद की जाए। रामगढ़ के कंट्रोल रूम से देवेंद्र पांडे से संपर्क किया। नतीजतन दो पुलिस गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन ये गाड़ियां दोपहर 1 बजे तक वहां पहुंची थी। उसकी वजह यह थी कि पांडे जी पहले से वांटेड कुछ मुजरिमों की तलाश में किसी दूसरे लोकेशन पर बिजी थे। दोनों गाड़ियां आगे पीछे बैरियर के सामने रुक गई। बैरियर अब भी बंद था, उस पर बोर्ड लटक रहा था, आखिरी सड़क। पांडे अपनी गाड़ी से उतरा, पिछली गाड़ी से भी जवान उतरे। पांडे के साथ दो सब इंस्पेक्टर मार्च करते हुए बैरियर के पास आ गए। पांडे ने इधर उधर देखा, फिर उसकी निगाह एक इंसानी जिस्म पर फोकस हो गई। ये जिस्म बैरियर से दूसरी तरफ सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था। फिर पांडे की निगाह पैन हुई और केबिन की तरफ घूम गई। केबिन पर ताला पड़ा था। पांडे ने आगे बढ़कर बैरियर को चेक किया, फिर बैरियर पर चढ़ गया और दूसरी तरफ उतर गया। वो औंधे मुंह पड़े इंसान के पास पहुंचा। पहली नजर में वो समझ गया था कि वो इंसान जिंदा नहीं है। उसके आसपास खून फैला हुआ था। तब तक एक सब इंस्पेक्टर बैरियर के दूसरी साइड से पथरीले रास्ते पर चलता दूसरी तरफ पांडे के पास आ गया। इसे सीधा करो जसवंत, पांडे बोला। जसवंत ने लाश को पलटा। वो गुलशन था। उसका सीना बीच से किसी धारदार हथियार से चीर दिया गया था। उसकी आंतें बाहर निकल रही थी। सीने के ऊपरी भाग काफी कटा हुआ था और कलेजे का एक हिस्सा मौजूद था। किसी ने उसका कलेजा काट कर निकाल लिया था। वेरी डेंजरस मर्डर, पांडे बड़बड़ाया। ये मर्डर नहीं है सर, जसवंत ने कांपते स्वर में कहा। फिर क्या है? किसी जंगली जानवर का काम लगता है, जसवंत ने जवाब दिया। पांडे लाश पर झुक गया। इसकी तलाशी लो। सब इंस्पेक्टर ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसकी ID, मोबाइल फोन और एक वॉलेट बरामद हुआ। वॉलेट में 2-2 हजार के 10 नोट पड़े थे। एक 500 का नोट भी था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इसका नाम गुलशन कुमार था, सब इंस्पेक्टर ने फोटो से उसकी शक्ल मैच करते हुए कहा। किसी तरह बैरियर खोलने का प्रबंध करो, चाहे इसे तोड़ना ही क्यों ना पड़े, और एम्बुलेंस को फोन कर दो। बैरियर पर लटका ताला तोड़ दिया गया। बैरियर खोल दिया गया। केबिन का ताला भी खोलो, पांडे बोला। तभी एक दीवान पांडे के पास आया। एक बात कहूं सर? कहो। बेहतर यही होगा कि हम यहीं से वापस लौट जाएं, लाश को यहीं पड़े रहने दें। तुम जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस महकमे की नाक कटती है, पांडे ने नागवार स्वर में कहा। पासवान ठीक कह रहा है सर, जसवंत ने दबी जवान में कहा। वजह? ये सड़क एक गांव में जाकर खत्म होती है। सुना है कि ये गांव भूत प्रेतों का गांव है। मैंने भी सुना है, पांडे ने कहा, लेकिन पुलिस वाले से बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं होता। फिलहाल इसकी लाश केबिन में डाल दो, उसका ताला भी तोड़ दो। हमें तहकीकात के लिए इसकी आखिरी सड़क पर आगे बढ़ना है।
एम्बुलेंस लाश ले जाएगी। मार्क करो यहाँ जहाँ लाश पड़ी है और इसका फोटो लो। किसी में हिम्मत नहीं थी जो पांडे का ऑर्डर मानने से इनकार कर देता। केबिन का ताला भी तोड़ दिया गया। लाश के फोटो उतारे गए। निशान लगाकर लाश केबिन में डाल दी। एक सिपाही यहाँ तैनात रहेगा, पांडे ने कहा। एक सिपाही की ड्यूटी वहां लगा दी गई। शेष सभी पुलिस वाले दोनों गाड़ियों में सवार होकर सड़क पर बढ़ चले। पुलिस की गाड़ियां आखिरी सड़क पर बढ़ती हुई ठीक उस जगह पर रुकी जहां एक ऑडी कार एक बड़े वृक्ष के नीचे पिचकी हुई थी। देखो उसमें कोई लाश तो नहीं पड़ी, पांडे बोला। सब इंस्पेक्टर जसवंत ने गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को चेक किया और गाड़ी का पूरा मुआयना करने के बाद वापस लौट आया। कोई नहीं है सर, जसवंत बोला। दोनों पुलिस गाड़ियां आगे बढ़ गई। फिर एक जगह उन्हें फिर रुकना पड़ा। यहां पर दो वैनिटी गाड़ियां खाई में उल्टी पड़ी दिखाई दे रही थी और एक BMW चट्टान के नीचे पिचकी हुई थी। अब सब नीचे उतर आए। थोड़ी दूर नीचे एक और गाड़ी खड़ी थी जिसके पास एक पेड़ गिरा हुआ था। दूरबीन, पांडे ने जसवंत से कहा। जसवंत गाड़ी में रखी दूरबीन उठा लाया। सड़क के किनारे खड़े होकर पांडे ने दूरबीन से नीचे गहरी खाई में देखा। वैनिटी तो नजर आ रही थी पर इंसान का कोई वजूद नहीं था। दोनों वैनिटी उल्टी पड़ी थी। मुमकिन है वे लोग उन दोनों वैनिटी में फंसे हो। सूचना मिली कि BMW में कोई नहीं है। पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सबको मालूम था कि आखिरी सड़क पर जाने वाला जिंदा वापस नहीं लौटता। जरा रामगढ़ कंट्रोल रूम को फोन लगाकर पूछो कि इस यूनिट में कुल कितने आदमी हैं जो रास्ता भटककर इस तरफ आ गए। जसवंत ने अपने मोबाइल फोन से रामगढ़ कंट्रोल रूम का फोन नंबर पंच किया लेकिन फोन कॉल नहीं गई। दो तीन बार कोशिश करने के बावजूद भी कॉल नहीं लगा। फोन नहीं मिल रहा, जसवंत बोला। वायरलेस सेट से बात करो, पांडे ने सपाट स्वर में कहा। जसवंत ने वायरलेस सेट से ट्राई किया परंतु वो भी ठप पड़ा था। उसने ये सूचना पांडे को दी। अजीब बात है, हमारी वायरलेस फ्रिक्वेंसी कौन ब्लॉक कर सकता है? इम्पॉसिबल। फिर मर्सिडीज को भी तलाश लिया गया। दोनों गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। दीवान कुछ कहना चाहता था पर फिर चुप हो गया। कुछ देर तक पांडे कुछ सोचता रहा। चलो वापस, अंत में उसने फैसला किया। यहां से गाड़ियां निकालना वन विभाग का काम है, रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। रास्ते में पांडे ने जसवंत से अटपटा सवाल किया। क्या तुम भूत प्रेतों पर यकीन करते हो? सबूत हमारे सामने है सर, जसवंत ने जवाब दिया। मैं तो चाहता था हम उसी जगह से वापस लौट जाएं जहां पहली कार देखी थी। क्या पता हमारे साथ भी कोई हादसा हो जाता। पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। एम्बुलेंस आ गई थी, शव उसमें डाल दिया गया। टीकमगढ़ कोतवाली पहुंचकर उसने अपनी रिपोर्ट रामगढ़ के हेडक्वार्टर को भेज दी। गुलशन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्हें केवल एक ही लाश मिली थी। जब वो जागे तो सुबह हो चुकी थी। पहले सुलेमान की आंख खुली, फिर उसने शंकर को जगाया। कुछ चीले उनके ऊपर उड़ रही थी जो उन्हें मुर्दा समझकर नीचे उतरने की तैयारी में थी। कुछ गिद्ध पेड़ों की शाख पर बैठे इशारों में एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। शंकर थोड़ी देर तक आंखें मलता रहा, फिर इधर उधर देखने लगा। हम कहाँ आ गए? शंकर ने सुलेमान से पूछा। विक्रमगढ़, सुलेमान ने जवाब दिया। विक्रमगढ़, ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पर खुदा नहीं, सुलेमान ने शायराना अंदाज में कहा। खुदा होता तो मारा ट्रक ना जलता, सुलेमान रोने लगा। अब रो मत, मैं नया ट्रक खरीदवा दूंगा। चुप साले, चर्सी यार किसके, दम लगाए और खिसके। अरे हम विक्रमगढ़ कैसे पहुंच गए? हमें तो पतली घाटी जाना था। सुलेमान थोड़ी देर रोता रहा, फिर उसने अपने आंसू दाएं हाथ की आस्तीन से पूछे। एक बार वो बौना मुझे नजर आ जाए, बस एक बार। सुन तो, शंकर ने सुलेमान का कंधा थपथपाया। सुन रहा हूं, सुलेमान ने भर्राए स्वर में कहा। इधर कुछ मकान दिख रहे हैं? वही तो विक्रमगढ़ है। चल चलते हैं, वहां हमें मदद मिल जाएगी। दोनों उठ खड़े हुए। सड़क का अंतिम छोर लोहे के एक बड़े गेट पर जाकर समाप्त हो गया। गेट के दाएं बाएं दो कच्ची सड़कें मुड़ गई थी, पर वो जिस लोहे के विशाल गेट पर पहुंचे वो एक हवेली का गेट था। हवेली के चारों तरफ बुलंद चार दीवारी थी। गेट खुला हुआ था पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुलेमान ने गेट बजाया। कोई है? उसने जोर से आवाज दी। आवाज इको होकर वापस लौट आई पर जवाब नहीं मिला। जब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं मिला तो दोनों गेट में दाखिल हो गए। गेट से कॉन्क्रीट की सड़क आगे गई थी जो इमारत के मेन गेट तक गई थी। उस सड़क के दोनों तरफ खरपतवार, झाड़ झंकार और जंगली घास उगी हुई थी। कुछ सूखे वृक्षों के ठूंठ भी नजर आ रहे थे। हवेली चारों तरफ से चार दीवारी से घिरी हुई थी। चार दीवारी खासी बुलंद थी
जैसे आमतौर पर पुराने जमाने के किलों की होती है। दोनों कंक्रीट की सड़क पर आगे बढ़ते हुए हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। बड़ा दरवाजा, जिसका रंग रोगन फीका पड़ गया था और उस पर धूल जमी थी, वो खुला हुआ था। उस पर कोई ताला नहीं था। सुलेमान ने भारी दरवाजा धकेला तो दरवाजा चरमर करता हुआ खुल गया। ऐसा लगता था जैसे वो काफी अरसे बाद खोला गया हो। दोनों खरामा खरामा हवेली में दाखिल हो गए। एक गलियारे से गुजरकर वो हॉल नुमा कमरे में पहुंचे, जिसमें फर्नीचर थी। कालीन शानदार था, लेकिन उस पर धूल जमी हुई थी। अब वो दोनों हवेली का मुआयना करने लगे। कई जगह जाले पड़े थे। सुलेमान और शंकर हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर थे और एक दरवाजा चेक कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बरसों से उस हवेली में कोई नहीं रहता, वरना कालीन पर धूल ना जमी होती और जाले ना पड़े होते। हॉल एक ड्राइंग रूम जैसा था। बराबर बराबर दो दरवाजे थे। एक को सुलेमान ने खोला, दूसरे को शंकर ने। शंकर एक बड़े किचन में आ गया, जहां गैस सिलेंडर और खाना पकाने के बर्तन चूल्हा वगैरह रखे थे। उन पर भी धूल जमी हुई थी। सुलेमान ने जो दरवाजा खोला वो एक बड़ा बाथरूम था। उसने टोटी चलाई तो पानी आ गया। नलके के पानी से उसने मुंह पर छपाके मारे और प्यास भी बुझाई। शंकर किचन से निकलकर एक राहदारी में बढ़ने लगा। सुलेमान भी पीछे पीछे आ गया। राहदारी में सबसे पहले एक कमरे का दरवाजा नजर आया। उस पर ताला पड़ा हुआ था। उसके बाद एक बड़ा स्टोर रूम था, जिसमें कुछ सामान बोरों और संदूकों में बंद पड़ा था। अगला दरवाजा अंदर से बंद था। शंकर की हार्टबीट बढ़ गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था। वो सुलेमान के आने का इंतजार कर रहा था। सुलेमान भी वहां पहुंच गया। सुलेमान ने कुछ पूछना चाहा तो शंकर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपने बैग एक जगह रख दिए। अंदर कोई है? वो फुसफुसाकर बोला। कहीं वही बौना तो नहीं? सुलेमान के नथुने फड़कने लगे। अबे तू डर क्यों रहा है? जो भी होगा देख लेंगे, क्या पता हवेली का मालिक हो। सुलेमान ने दरवाजा नॉक कर दिया। कोई है? उसने पूछा। दरवाजा खोलो। थोड़ी देर में अंदर से आहट सुनाई दी। सुलेमान ने दरवाजे से कान लगा दिए। आहट दरवाजे की तरफ आ रही थी। दरवाजा खुला तो सामने पायल खड़ी झूम रही थी। वो या तो नींद की झोंक में थी या नशे में। सुलेमान उसे देखकर उछल पड़ा। शंकर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या है सुलेमान, सोने दे, इतना कहकर पायल ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन सुलेमान ने देख लिया था कि अंदर बेड पर विलासा भी लेटी है। ये तो साला खोदी चूहिया निकला पहाड़, सुलेमान बोला। अबे खोदी चूहिया निकला पहाड़ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अबे मुहावरा तो ठीक से बोला कर। चूहिया दो दो, मुहावरा गया तेल लेने। ये ससुरी हमसे पहले यहां कैसे पहुंच गई? पूछ ले, शंकर ने कहा। अबे नहीं यार, हीरोइन है अंदर, बिगड़ गई तो मेरी शामत आ जाएगी। चल आगे देखते हैं। या इलाही, ये माजरा क्या है? साला माजरा है भी तो इलाही कहाँ है? दूसरा दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। शंकर ने धीरे से दरवाजा खोला तो हंस पड़ा। अबे यहाँ तो अपनी ही यूनिट के लोग सो रहे हैं, खन्ना साहब और विपुल भाई खर्राटे ले रहे हैं। ये तो कमाल हो गया, ये तो हमसे पीछे थे। ये तो सोचने वाली बात है, ये यहाँ पहले कैसे पहुंच गए? मतलब ये हुआ कि अगली यूनिट आ ली यहाँ से। सबको एक साथ जगाता हूँ, शंकर तीसरे दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। उसने जेब से सीटी निकाली। ये सीटी एक डोरी से बंधी हुई थी। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने सीटी बजानी शुरू कर दी। अभी वो तीसरी सीटी बजा पाया था कि दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर आया। फिर शंकर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। शंकर कलाबाजी खाकर सुलेमान के कदमों में जा गिरा। शंकर की आंखें चौड़ी हो गई। वो नजरें उठाकर सामने देखने लगा। सामने आखिरी सड़क का हीरो मधुर खड़ा था। उसके जिस्म पर इस समय केवल अंडरवियर था। क्यों मारा सर? शंकर ने हकलाकर पूछा। हम लोग थके हारे यहाँ आकर सोए हैं और तू हरामखोर सीटी बजा बजा कर हमारी नींद में खलल डाल रहा है, मधुर गुर्राया। अबे हमने तो तुम दोनों की नींद में खलल नहीं डाला, पत्थर के गेट वाले चबूतरे पर सो रहे थे ना तुम दोनों। हाँ जी हाँ जी, सुलेमान ने सिर हिलाया। हमने तो तुम दोनों को नहीं जगाया। अब इससे पूछ ये सीटी क्यों बजा रहा है? अभी इसका एक भैया भी है, वो भी सीटी बाज है। अगर वो मुझे दिख गया तो उसने मेरे ट्रक में आग लगा दी थी सर जी। देखा था हमने, मधुर बोला। सड़क पर जला खड़ा है, मधुर ने कहा। अब जाओ यहां से, तुम भी कोई कमरा तलाश करके सो जाओ, यहाँ ऊपरी मंजिल में कमरे ही कमरे हैं। इतना कहकर मधुर ने दरवाजा बंद कर दिया। सुलेमान और शंकर ने फिर किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया। अलबत्ता वो पूरी हवेली का निरीक्षण कर आए। हवेली दो मंजिला थी और पुरानी तर्ज पर बनी थी। छतें ऊंची थी, ऊपर एक गुंबद जैसी गुमटी भी थी जिस पर छत का दरवाजा था।
छत में एक चबूतरे पर पानी की बड़ी टंकी भी लगी हुई थी। प्रत्येक फ्लोर पर तीन तीन बेडरूम और एक एक ड्राइंग रूम था, लेकिन ऊपर के फ्लोर के ड्राइंग रूम ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम से छोटे थे। प्रत्येक फ्लोर पर किचन और फ्लोर भी थे, बिजली के स्विच बोर्ड भी थे। सुलेमान ने एक स्विच ऑन किया लेकिन वो नहीं जला। इस तरह कहीं से भी बिजली की लाइन नहीं आ रही, दूर दूर तक कहीं भी बिजली के तार नहीं दिख रहे, सुलेमान बोला। फिर ये बल्ब और स्विच बोर्ड का यहाँ क्या काम है? अबे घन चक्कर, हवेली में जनरेटर होगा। सुलेमान छत की दीवार से लगी एक मोटर पर झुक गया। मेरे कुन्नू लागे, ये मोटर पानी ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए लगी है। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो छत की मुंडेर से गांव देख रहा था। छत काफी बड़ी थी और 4 फुट की चार दीवारी से घिरी हुई थी। सुलेमान छत का पूरा राउंड लगाकर शंकर के पास आकर खड़ा हो गया। गांव में कोई दिख न रहा, सुलेमान बोला। अरे देख तो, वो बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा है दिखे? अबे वो मूर्ति है शंकर भगवान की, शंकर बोला। तू भगवान कब से हो गया? एक काम करते हैं, गांव का चक्कर लगाकर आते हैं, तब तक ये लोग भी आ जाएंगे। ऊपर देख, खेत है, सीढ़ी नुमा खेत, और एक सोता भी दिख रहा। ससुरे कहीं ढोर ढार भी ना दिख रहे, चीले और गिद्ध पेड़ों पर बैठे दिख रहे हैं। आ, शंकर गुमटी की ओर बढ़ गया। दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आए, फिर हवेली से बाहर निकल गए। लोहे का गेट पार करके वो एक कच्ची सड़क पर बढ़ने लगे। ये गांव की तरफ जा रही थी। हवेली की चार दीवारी खासी ऊंची थी। वो पुराने जमाने के किले जैसी दीवार थी, 25-30 फीट ऊंची। उस पर लाल रंग पुता हुआ था। कच्ची सड़क चार दीवारी के साथ साथ सटी हुई थी। आसपास कुछ टूटे फूटे खंडरनुमा घर नजर आए। सुलेमान ने आगे बढ़कर एक घर का दरवाजा खोला। दरवाजा टूटकर उसके ऊपर ही आ गिरा। अबे छेड़छाड़ मत कर, शंकर ने कहा। बस देखना है, करना कुछ नहीं। पर देखने के है, तेने गांव के मकान ना देखे के? अबे देखना यह है कि यहाँ रहता कौन है। बावली के, जब हवेली में ही कोई ना रहता तो इस गांव में क्या तेरा फूफा रहता होगा? कोई होता तो एबलो सामने ना आ जाता। चल वापस, खाने पीने का इंतजाम करते हैं। दोनों हवेली में आ गए। यार एक आइडिया आ रहा है, शंकर बोला। क्या? जब यहाँ कोई रहता ही नहीं तो हवेली सहित सारे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। इसे शूटिंग के लोकेशन के लिए किराए पर दिए करेंगे। भूल गया क्या, रात के हुआ? और इनकी गाड़ियां कहाँ है? वे तो कहीं नजर नहीं आई, न मर्सिडीज, न BMW, न वैनिटी। वे भी हमारी तरह पैदल पैदल चलकर आए होंगे। इसका मतलब उनकी गाड़ियों के साथ भी कोई हादसा हुआ, सुलेमान ने अनुमान लगाया। जब वो हवेली के ड्राइंग रूम में पहुंचे तो जितेश किचन के दरवाजे से बाहर निकला। उसने एक स्टील का ग्लास पकड़ा हुआ था, पर शंकर उसे देखकर ठिटक गया। इस तरह क्या देख रहा है? जितेश बोला। तुम दोनों बाहर गेट वाले चबूतरे पर सो रहे थे ना? हाँ, शंकर बोला। और रास्ते में तुम्हारा जला हुआ ट्रक खड़ा है। अरे वो तो ठीक है, पर तुम्हारी गाड़ियां कहाँ गई? जितेश ने सारांश में सारा वृतांत सुनाने के बाद कहा। चाय पियोगे? चाय का सामान है वहां? शंकर ने पूछा। हाँ, पाउडर वाला दूध भी है, मैं चाय बनाकर पी रहा हूँ। उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। यहाँ स्टोर में बहुत सा खाने पीने का सामान पड़ा है, आटा, दाल, चावल, सब कुछ। और कुछ मोमबत्तियों का स्टॉक भी है, 2 लालटेन भी है, केरोसिन की कैन भी है। मैं पहले चाय बनाता हूँ। तभी पायल अपने कमरे में से निकलकर अंगड़ाई लेती अब ड्राइंग रूम में आ गई। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। गुड मॉर्निंग डियर। चाय मैं बनाती हूँ, आप लोग दूसरे लोगों को जगा दो। पायल किचन की तरफ बढ़ गई, शंकर उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। वो किचन में रखा सामान चेक करने लगा। एक कनस्तर में आटा था, एक अचार का मर्दबान भी था, घी तेल सब कुछ मौजूद था। सारा सामान चेक करने के बाद वो चूल्हे की तरफ पलटा। एक काम करते हैं, चाय के साथ नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं, शंकर ने कहा। सब लोग रात से ही भूखे होंगे। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, तुम बाहर सफाई करवाओ, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है, शंकर बाहर आ गया। तब तक मधुर भी नहा धोकर ट्रैक सूट पहने ड्राइंग रूम में आ गया था। शंकर दूसरे लोगों को जगाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। उसने बारी बारी सब दरवाजे खुलवा दिए। सब लोग नहा धोकर ड्राइंग रूम में आ जाओ, शंकर बोला, नाश्ता तैयार हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर भुवन, डैनी, डॉक्टर बासु, हरीश पाठक अलग अलग कमरों में मौजूद थे। सेकंड फ्लोर डायरेक्टर अब्बास के बेडरूम का दरवाजा खुला था। अब्बास उस वक्त बाथरूम में था। अगले दरवाजे को नॉक किया तो चोटी वाला की आवाज सुनाई दी। जय बजरंगबली, आ जाओ, दरवाजा खुला है। शंकर अंदर गया तो चोटी वाला फर्श पर बैठा योगा की एक्सरसाइज कर रहा था।
बाथरूम में शावर चलने की आवाज आ रही थी। शंकर ने बाथरूम की तरफ देखा। आ गए तुम दोनों भी, चोटी वाला बोला। जोसेफ ना आ रहा है, मैं स्नान कर चुका। ड्राइंग रूम में आ जाओ, नाश्ता तैयार हो रहा है। अब्बास साहब को भी लेते आना। इतना कहकर शंकर वापस चला गया। सभी जाग चुके थे। उसने नाश्ते की सीटी बजा दी। नाश्ता तैयार है, वो सीटी बजाता नीचे उतरने लगा। नीचे जितेश और सुलेमान सफाई में लगे हुए थे। मधुर किचन में जाकर अपने लिए चाय बना रहा था। पायल पराठे सेक रही थी। विलासा अपने बेडरूम के वॉशरूम में थी। शंकर ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। वो पायल का हाथ बटाने लगा। मधुर चाय लेकर बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गया। ड्राइंग रूम में दो बड़े सोफे और चार कुर्सियां पड़ी थी। उनकी सफाई कर दी गई थी। वहां कोई सेंट्रल टेबल नहीं थी। किचन में शंकर ने सीटें निकाल ली। एक रैक में स्टील की थालियां, चम्मच इत्यादि सामान पड़ा था। जिसे अचार देना हो दे देना, मैं तो नहीं खाती, पायल बोली। शंकर दो प्लेटों में नाश्ता लगाकर किचन से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, क्या ये मुनासिब होगा सर कि सब लोग कालीन पर बैठ जाएं? उसकी जरूरत क्या है, सब अपनी प्लेटें लेकर अपने रूम में चले जाएं, मधुर बोला। और उसने शंकर से एक प्लेट ली और अपने रूम की तरफ चला गया। उसकी देखा देखी सबने वैसा ही किया, लेकिन खन्ना और अब्बास वहां बैठे थे। अरे शंकर, अचानक सुलेमान बोला, दो आदमी नजर ना आए, जोसेफ और चोटी वाला, पर मैं उन्हें इन्फॉर्म कर आया था। देख क्या, कहीं फिर से सो गए हो, मैं सर्व करता हूँ, साथ में जितेश भी है। शंकर ऊपर की घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। चोटी वाले के कमरे का दरवाजा तो खुला था, पर वो दोनों कमरे में नदारद थे। शंकर को छत की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो छत के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये था आखिरी रास्ता नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।